हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स वुमेन कार्ट लिमिटेड जिस आई पीओ का डे थ्री का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है और गाइस दो दिन में इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है इसमें रिटेल की तरफ से अदर्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग सब्सक्रिप्शन हम लोग जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जी लिस्टिंग कितना मिलेगा अप्लाई करना चाहिए या फिर लास्ट डे तो अप्लाई क्या करना चाहिए या फिर नहीं चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो गाइज देखिए ये जो आई है सोलह अक्टूबर को ओपन होता है और अठारह अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है 9.56 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आई जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है अलॉटमेंट का डेट रखा गया तेईस अक्टूबर का लिस्टिंग का डेट रखा गया सताईस अक्टूबर एन एस के एस एम प्लेटफॉर्म पर पर लिस्टेड होगा ये जो आई पी टी प्लस सिक्स टाइम को फॉलो कर करिए लिस्टिंग के लिए अगर हम बात करेंगे प्राइस बैंड का तो एट्टी सिक्स रुपीज़ पर शेयर का है और वन सिक्सटी हंड्रेड शेयर की लॉट साइज नर्नोलिया फिनंशियल सर्विसेज लिमिटेड लीड मैनेजर है माशिल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू सेवेंटी एट पॉइंट जीरो वन परसेंट का आफ्टर अलॉटमेंट फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर परसेंट की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑब्जेक्टिव है गाइस सॉरी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें तो एचन आई से सिक्स पॉइंट थ्री टू टाइम्स का बहुत ही अच्छी सब्सक्रिप्शन हुआ ओवर हो चुका है रिटेल ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फाइव टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉग सब्सक्राइब किया गया रिटेल की तरफ से अगर टोटल देखेंगे तो फिफ्टीन पॉइंट थ्री फोर टाइम का सब्सक्रिप्शन है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है जीएमपी क्या है तो जीएमपी भी चल रहा है इसका टेन रुपीज़ का एट्टी सिक्स का प्राइस बैंड नाइन्टी सिक्स की लिस्टिंग होने के चांस है इलेवन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है अभी के अकॉर्डिंग अभी के सिनेरियो अगर हम बात करेंगे इसके बिजनेस को दो हज़ार अट्ठारह में इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि एक तरह का ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है जो कि ब्यूटी ब्रांड्स ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट्स जो कि स्किन केयर हेयर केयर बॉडी केयर इन सभी केयर के लिए मेन और वुमेन के लिए जैसे ब्यूटी ब्रांड्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स का एक वाइड रेंज का जो है सो ऑफर करती है अपने ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी इसके साथ साथ दोस्तों हंड्रेड से भी ज़्यादा स्किन केयर ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को जो है सो ऑफर करती है और इसका एक ऑफलाइन स्टोर भी है जो कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के सालीमार बाग में ओपन किया गया था चार सब्सिडरीज के साथ ये एस्टैब्लिश कर चुका है जिससे कंपनी जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन बिजनेस रिलिस्टेड जो सो रन कर रही है जो कि एक्वायर कर चुका है और ये कंपनी जो रिसेंटली अभी जो है ब्यूटी ब्रांड्स को भी लॉन्च कर चुका है ख़ुद का जो कि वंडर कर्व सायदा जेवल्स और फजीहा फैजा और फेया कंपनी का एक पॉलिसी है क्विक डिलीवरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इजी रिटर्न का जो फॉलो करती है इसके कोर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मल्टी चैनल अप्रोच है फ़ोकस किया जाता है कस्टमर्स सर्विस और सैटिस्फेक्शन पर इनपॉर्पोरेटिंग यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट एंड रिव्यू है पार्टनरशिप कर चुकी है सोशल मीडिया इन्फ्लूस के साथ पार्टनरशिप करती है जिससे कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सके सुपर फास्ट डिलीवरी कंपनी प्रोवाइड करता है जिससे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके कंपनी वर्चुअल एक एआई टूल को भी जो है सो डिप्लॉय कर चुका है जिसका नाम है वर्चुअल ट्राई ऑन जिससे कंपनी uh, जो है प्रोडक्ट की अपेयरेंस को जो है सो रियल लाइफ कस्टमर्स में मतलब कस्टमर्स के रियल लाइफ में जो सो प्रोडक्ट अपेरेंस को विजुअलाइज कर सके इसके लिए वर्चुअल ट्राई ऑन एआई टूल को डिप्लॉय कर चुका है फिनांशियल अगर देखिएगा तो कंपनी का जो फिनांशियल है ट्वेंटी वन में वन पॉइंट थ्री करोड़ का रेवेन्यू है और सेवनटीन लैक्स का लॉसेस है ट्वेंटी टू में फोर पॉइंट टू करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट ट्वेंटी लैक्स का ट्वेंटी थ्री में एट पॉइंट सेवन करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट है फोर्टी सेवन लैक्स का ट्वेंटी थ्री मतलब कि अगस्त महीने के सेवन मंथ्स ट्वेंटी फोर में सेवन पॉइंट सिक्स करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट 54 फिफ्टी फोर लैक्स का कंपनी का फिनांशियल देखिएगा तो पास्ट में ट्वेंटी वन में कोविड पीरियड के टाइम में कंपनी को लॉसेस था लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ट्वेंटी फोर के फिनेंशियल में भी देखिए तो एक सडन बूस्ट भी देखने को मिला है जो कि कह सकते हैं एक थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट कर रहा है सडन बूस्ट होने के कारण अगर हम बात करेंगे रिस्क का तो इसमें रिस्क भी रिस्क क्या है कि पास्ट में लॉसेज फेस किया है जो मैंने भी बताया ट्वेंटी वन में कोविड के टाइम में निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है पास्ट में जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में निगेटिव फ्लो है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में प्लस हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है और ये जो है सो हाईली फ्रैगमेंटेड और कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है प्लस के कॉम्पिटिटर बहुत सारे जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है सो प्रोवाइड ऑफर करती है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है सो कॉम्पिटिशन है और इसके मेनली जो इसके जो कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ी नायका जो कि इसी तरह की प्रोडक्ट को जो है सो ऑफर करती है ब्यूटी ब्रांड्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स को मेन और वुमेन के लिए तो ये भी नायका भी जो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है ये कंपनी कुछ भी नहीं है नायका के सामने और उसके साथ ये कम्पीट कर रही है रिटेल ई कॉमर्स मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस में और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अडेप्टशन पे फ्यूचर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह होता है जिसकी इन्फ्लुएंस किया जाता है जो कि, कि थोड़ा सा रिस्क हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है तो ब्रांडिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक्सपेंस करना चाहती है ऐप डेवलपमेंट का एक्सपेंस करना चाहती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ई ईसू एक्सपेंसिस के लिए आई लाया गया है एक तरह तो का ये डिजिटल कंज्यूमर सेंट्रिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट मार्केटिंग है जो कि करती है मेन और वुमेन के लिए फिनांसियल परफॉर्मेंस भी एवरेज देखने को मिला है जिसके अकॉर्डिंग प्राइस बन बहुत ज़्यादा रखा गया है थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल रहा है नायका से कंपेयर करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है और एक कह सकते जो पेड अप कैपिटल है बहुत ही छोटा है जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेट में लंबा टाइम ले सकती है प्लस कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रीज़नेबल प्राइस नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पेंड जो सो अमाउंट जो स्पेंड कर रही है आईपीओ के स्ट्रक्चर के लिए आईपीओ फंडिंग में स्ट्रक्चर के लिए जो स्पेंड किया जा रहा है फुल्ली स्ट्रक्चर्ड है इसलिए अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन आप लिस्टिंग चाहते हैं तो लिस्टिंग उतना कोई खास नहीं ठीक ठाक मिल रहा है इलेवन परसेंट के आसपास तो आप लिस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में बाय